हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जेंटल ओरल सस्पेंशन के बारे में और सीखेंगे ये सस्पेंशन का यूज़ क्या होता है और कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के अंदर ये सस्पेंशन को यूज़ किया जाता है। द एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 2.8 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। मेडिसिन रिलेटेड कोर्स भी आपको फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर मिल जाएगा कि जिसके अंदर आप अलग अलग डिसीजेज और उनके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में सीख पाएंगे। तो सभी मेडिसिन के बारे में वहाँ पर लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, साथों साथ उसके PDF एंड PPTs फाइल भी मिल जाएगी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। तभी डाउनलोड करिए आप फार्मारॉक्स और एक्सेस करिए ये डिसीजन मेडिसिन वाला कोर्स। तो वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो समझते हैं कि जेंटल ओरल सस्पेंशन है वो उसके मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है। तो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो फार्मास्यूटिकल है कि जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं GSK, तो ये जो प्रोडक्ट है वो GSK का प्रोडक्ट है। और इसके अंदर हम कोई सॉल्ट कंपोजिशन हम देखें तो वो है एल्बेंडाजोल। कि जेंटल ओरल सस्पेंशन की जो जेंटल जो आगे जो वर्ड यूज़ किया हुआ है तो वो उसका ब्रांड नेम है, बट उसका जो आप जेनेरिक वर्जन आप देखो तो वो है एल्बेंडाजोल। यहाँ पर लिखा है कि एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन एज पर IP, मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू उसको जो है वो बनाया गया है। यहाँ पे RX लिखा है, मतलब कि ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है और 10 ml की क्वांटिटी में ये रहता है। और यहाँ पे कंटेनर में एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो लिखा है कि सिंगल डोज पैक, तो सिंगल डोज पैक का मतलब ये होता है कि ये जो बॉटल के अंदर एक सिंगल डोज जो है वो फील किया होता है कि जब भी आप उसको यूज़ करते हैं इसको, इसके सील को ओपन करके, तो एक ही बार में जो मेडिसिन है वो यूज़ कर लेनी है या फिर जो बची हुई मेडिसिन से वो आपको सेकंड टाइम जो है वो यूज़ नहीं करनी। तो ये खास इम्पोर्टेंट रहता है कि ये सिंगल डोज में ही रहता है और एक ही डोज जो है वो पेशेंट खास कर ले लेते हैं कि इसका जो 10 ml का ये जो डोज है वो आप एक ही बार जो है वो सिंगल डोज यूज़ करते हैं। तो उसका जो सॉल्ट कंपोजिशन जो मैंने आपको बताया कि एल्बेंडाजोल है और जेंटल जो है वो उसका ब्रांड नेम है। और ये ओरल सस्पेंशन है, मतलब कि पेशेंट्स उसको ओरली यूज़ करते हैं। और साथ ही एक डायरेक्शन ये रहते हैं कि जब भी आप ये सस्पेंशन यूज़ करते हैं तो बॉटल को अच्छे से सेक करना चाहिए बिफोर यूजिंग, कि जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है कि सेक वेल बिफोर यूज़। तो इसको यूज़ करने से पहले आपको अच्छे से थोड़ा सेक करना चाहिए, बिकॉज सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, मेडिसिन जो है वो नीचे की ओर जम जाती है और ऊपर की ओर जो है वो आपको उसका वाटर कंटेंट देखने को मिलता है। तो अच्छे से मिक्स करने के लिए सेक करना ज़रूरी है। तो अब आपके माइंड में सवाल ये होगा कि ये ओरल सस्पेंशन जो है जेंटल वो कौन से अलग अलग कंडीशन में यूज़ होता है। तो जो पैरासाइटिक वॉर्म इन्फेक्शंस होते हैं, वॉर्म मतलब कि जिसको हम हिंदी में कृमि कहते हैं, तो कृमि के कारण होने वाली अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए ये ओरल सस्पेंशन यूज़ किया जाता है। छोटे बच्चों के अंदर भी ये सस्पेंशन ही दिया जाता है कि जो टैबलेट नहीं ले पाते। तो यहाँ पे आप उसका कंटेनर देखिए अच्छे से कि अलग अलग जो वॉर्म्स होते हैं, कि ये टैप वॉर्म होते हैं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ऐसा, फिर राउंड वॉर्म्स होते हैं इस तरह से, उसके बाद ये हुक जैसे हुक वॉर्म्स वगैरह होते हैं, फिर वीप वॉर्म की ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वीप वॉर्म, फिर कोकाइडिया है, GRDIA जैसे अलग अलग जो ये पैरासाइट्स होते हैं और इनके कारण होने वाले ये वॉर्म इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन यूज़ किया जाता है। तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि माइक्रोनाइज एल्बेंडाजोल उसके अंदर रहता है, सिंगल डोज का पैकिंग रहता है। फिर यहाँ पे जो रेड लाइन देख रहे हैं लाल लकीर, तो उसका मतलब ये है कि ये एक एंटीबायोटिक टाइप का मेडिकेशन है और डॉक्टर के खास एडवाइस के अकॉर्डिंग टू, प्रिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग टू ही आपको ये यूज़ करनी होती है, बिना प्रिस्क्रिप्शन उसको यूज़ नहीं कर सकते आप, ऐसा ये मतलब होता है। फिर
प्रॉपर सुपरविजन के साथ है, बिकॉज ये शेड्यूल एच ड्रग है। ये पीछे देखो आप बॉटल के ऊपर लिखा है कि शेड्यूल एच ड्रग, और वार्निंग लिखी है, और लिखा है कि टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कि प्रिस्क्रिप्शंस के साथ ही आपको उसको बेचनी है। और साथों साथ लिखा है कि कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, कि छोटे बच्चों से उसको दूर रखनी है, बिकॉज अगर वो गलती से उसका सेल्फ मेडिकेशन कर ले तो साइड इफेक्ट हो सकती है। तो प्रॉपर जो है वो बच्चों से दूर रखनी चाहिए। फिर सेक वेल बिफोर यूज़, ये भी डायरेक्शन है, और स्टोर इन ए कूल प्लेस। तो ये सब उसके हो गए अलग अलग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। फिर अब बात ये होगी कि ये 10 ml के अंदर मेडिसिन्स कितना होता है। तो आप यहाँ पे जो देखोगे कि ईच 10 ml कंटेन आल्बेंडाजोल 400 mg। तो ये वाला जो कंटेनर है उसके अंदर आप देखो तो 10 ml के अंदर जो आल्बेंडाजोल है वो रहेगा 400 mg। कि अगर कोई पर्सन ये 10 ml जितना कंटेंट लेता है तो उसकी बॉडी के अंदर 400 mg जितना आल्बेंडाजोल जो है वो जाएगा। अगर आप समझे कि 5 ml लेते हैं तो आपको मिलेगा अराउंड 200 mg जितना डोज मिलेगा। तो इस तरह से यह रहता है कि एक जो बॉटल है 10 ml वाली, उसके अंदर 400 mg जितना डोज रहता है, कि जो सिंगल डोज रहता है खासकर 400 mg, कि एल्बेंडाजोल का जो हम कोई स्टैंडर्ड डोज देखे तो 400 mg के डोज में ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है। तो एंटी वॉर्म मेडिकेशंस भी कहा जाता है एल्बेंडाजोल को, कि जिसको फार्माकोलॉजी के अंदर एंथेलमेंटिक क्लास के मेडिकेशंस कहे जाते हैं, या फिर एंटी वॉर्म मेडिकेशन उनको कहा जाता है। और ये आपकी बॉडी में से वॉर्म्स को एक्सपेल आउट करवाने में हेल्प करते, साथ साथ उनको किल भी कर देते हैं। किलिंग द वॉर्म्स दैट कोज द इन्फेक्शंस एंड स्टॉप द इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग, कि जो इन्फेक्शन करने वाले जितने भी वॉर्म्स है, पैरासाइट्स है, साथों साथ जो कृमि जो हम कहते हैं उनको ये किल कर देते हैं, और जो होने से होने वाला जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी स्टॉप हो जाता है। फिर एल्बेंडाजोल इज यूज टू ट्रीट सर्टेन इन्फेक्शन कोज बाय वॉर्म सच एज पोर्क टैप वॉर्म एंड डॉग टैप वॉर्म। ये खास याद रखो, ये जो दो टैप वॉर्म्स होते हैं कि पोर्क एंड डॉग टैप वॉर्म, उनसे आने वाले इन्फेक्शंस को भी ये मेडिसिन ठीक करती है। तो जो कृमिनाशक दवा हम कहते हैं हिंदी के अंदर एंथेलमेंटिक्स को, तो जेंटल ओरल सस्पेंशन भी यही क्लास का मेडिकेशन है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जब आप ये मेडिकेशंस यूज़ करते हैं तो उसकी जो इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ये वॉर्म्स के ऊपर रहेगी। कि ये वाला जो आप वॉर्म देख रहे हैं कि ये इंटेस्टाइन के अंदर आप ये वॉर्म देख सकते हैं, और बाकी का ये जो भाग है वो होस्ट बॉडी का भाग कह सकते हैं, कि जो भी पेशेंट है उसके बॉडी का भाग है। तो ये मेडिकेशन सिर्फ और सिर्फ ये वॉर्म के ऊपर ही अपनी असर दिखाएगी, होस्ट को कोई डैमेज नहीं करेगा। इसीलिए दिखाया है कि विदाउट कोजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू द होस्ट, कि होस्ट बॉडी को कोई भी डैमेज नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ये वॉर्म को किल करेगा और आपकी बॉडी में से उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। कि एक्सपेल पैरासाइटिक वॉर्म्स, कि जो हमारे खासकर लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर देखे जाते हैं। तो अब आपके माइंड में एक और सवाल हो सकता है कि ये वॉर्म इन्फेक्शंस कैसे हो जाते हैं। तो वॉर्म इन्फेक्शंस होने का जो कोई रीज़न हम देखें तो एक तो है कॉन्टामिनेटेड फूड, कि आप ऐसा फूड खा लेते हैं कि जिसके अंदर कॉन्टामिनेशन हुआ है। कि आप कोई भी ऐसा खाना खाते हैं और उसमें समझो कि ये हुक वॉर्म्स जो थे वो प्रेजेंट थे, तो ये हुक वॉर्म ये कॉन्टामिनेटेड फूड के साथ आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में चला जाएगा, मतलब कि आपके पेट में जाएगा, और वहाँ से वो इंटेस्टाइन की ओर ट्रैवल करेगा, और वहाँ पे उसकी जो ग्रोथ होगी, बिकॉज इंटेस्टाइन के अंदर ग्रोथ होने के लिए जो जरूरी पैरामीटर्स होते हैं वो सब उसको वहाँ पे मिल जाएगी, जिसके वहाँ पे वो ग्रोथ करेगा। उसी तरह से कॉन्टेमिनेटेड वाटर लिया है तो भी आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है। और लेक ऑफ पर्सनल हाइजीन, कि अब आप पर्सनल हाइजीन अच्छे से नहीं रखते तो भी ये पैरासाइट्स जो है वो आपके बॉडी के अंदर जा सकते हैं, और फिर ये जो पैरासाइट्स आपको वॉर्म इन्फेक्शन जो है वो कर सकते हैं, कि जिसको हेलमिंथ डिसीज भी कहा जाता है। तो जो ये अलग अलग हेलमिंथ डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए जेंटल ओरल सस्पेंशन को जो है वो यूज़ किया जाता है, और ये
एक अल्टरनेटिव मेडिकेशंस बनता है मेबेंडाजोल के साथ, कि एंथेलमिंटिक्स के अंदर दो मेडिकेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, एक है मेबेंडाजोल और दूसरा ये आलबेंडाजोल। तो अगर समझे कि मेबेंडाजोल से ठीक नहीं हो रहा, उसका रेजिस्टेंस हो चुका है, तो आप जो है वो ये जेंटल ओरल सस्पेंशन यूज़ कर सकते हैं कि जिसके अंदर मेडिकेशन है आलबेंडाजोल। फिर ये जो मेडिकेशंस का एडवांटेज ये है कि एल्बेंडाजोल जो है वो सिंगल डोज में ही यूज़ करनी है, ओनली सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन इन मैनी इन्फेक्शंस, कि बहुत सारे इन्फेक्शंस के अंदर आपको ये एक ही सिंगल डोज लेना होता है, और ये सिंगल डोज से ही पेशेंट जो है वो ऑलमोस्ट ठीक हो जाते हैं। और समझो कि सेकेंड डोज लेने की ज़रूरत पड़ी तो भी वो सेकेंड वीक में लेगा, कि समझो कि फर्स्ट वीक के अंदर वीक वन में एक डोज लिया है, डोज वन लिया है, तो दूसरा जो डोज है वो आप लेंगे सेकेंड वीक के अंदर। तो ये खास ध्यान रखना है कि हर वीक एक डोज जो है वो पेशेंट ले सकता है, कि जब तक उसकी बीमारी ठीक नहीं होती, बट वीक के अंदर एक ही डोज लेना होता है। कि आप कोई डे फिक्स करते हैं और टाइम भी फिक्स कर देते हैं, तो वो टाइम पे ये मेडिकेशन लेनी चाहिए। कि आपने फिक्स किया हुआ है, समझो कि मंडे आपको आप ये डोज ले रहे हैं, तो एक मंडे से फिर नेक्स्ट मंडे, फिर उसका नेक्स्ट मंडे, उस तरह से आपको ये डोज जो है वो लेना होता है। और फिक्स टाइम के, समझो कि आप सुबह लेते हैं या फिर रात में लेते हैं, ऐसे जो है वो आप उसको ले सकते हैं। और ये एक बेस्ट अल्टरनेटिव मेडिसिन है मेबेंडाजोल से, तो आपको जो है वो मेनली फिजिशियंस के एडवाइस से लेनी चाहिए, कि बिकॉज ये आरएक्स ओनली मेडिकेशन है, साथों साथ ये लार लगेल है, मतलब कि प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ही ये प्रिस्क्राइब की जाती है, कि वॉर्म इन्फेक्शंस किस तरह से है, कौन से टाइप के वॉर्म्स प्रेजेंट है, उसके बाद ही ये एल्बेंडाजोल जो है वो यूज़ की जाती है। साथ ही एक डायरेक्शन ये है कि इट टेक इट विद और विदाउट फूड, प्रिफरेबली एट फिक्स टाइम, कि कोई फिक्स टाइम पे लीजिए, और विथ और विदाउट फूड आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड ये सिंगल डोज में ही आपको अवेलेबल होगा, कि चाहे आप उसके टैबलेट भी यूज़ करते हैं या फिर ये सस्पेंशन है, तो हमेशा आपको ये सिंगल डोज के ही पैकिंग मिलेंगे। कि चाहे आप उसका ओरल सस्पेंशन लेते हैं जेंटल का, या फिर टैबलेट्स लेते हैं। और ये खास एक एडवाइस ज़रूरी है यहाँ पे, कि अवॉइड स्किपिंग एनी डोज। कि अभी जो मैंने बताया कि समझो कि आपकी जो ट्रीटमेंट की थेरेपी है वो टोटल 4 वीक की थेरेपी है, तो हर वीक को मंडे को आपको जो उसका डोज लेना है वो फिक्स टाइम पे ले ही लेना चाहिए। कि वीक वन में आपने मंडे को ले लिया, सेकंड वीक में मंडे को, उस तरह से टोटल 4 वीक तक हर एक मंडे को आपका जो डोज है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से कोई डोज आपको स्किप नहीं करना चाहिए, एंड फिनिश द फुल कोर्स। अब जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि जेंटल के टैबलेट्स भी आते हैं, कि जो कोई ओरल सस्पेंशन समझो कि ना ले पाए, तो उसके लिए टैबलेट भी और जीएस के मैन्युफैक्चर करता है, तो यहाँ भी एक सिंगल डोज ही रहेगा। वन डोज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक च्यूएबल टैबलेट ऐसा लिखा है, कि वन च्यूएबल टैबलेट, और इसका भी डोज आप देखो 400 मिलीग्राम है। तो चाहे आप जेंटल का सस्पेंशन यूज़ करते हैं या फिर आप उसका टैबलेट यूज़ करते हैं, तो ये भी टैबलेट आएगी 400 मिलीग्राम के अंदर, कि डायरेक्टली ये टैबलेट जो है वो आप ले सकते हैं। कि च्यूएबल टैबलेट मतलब कि उसको स्वेलो करने से पहले थोड़ी देर आपके माउथ के अंदर उसको चबाना होता है, और चबाने के बाद जो है वो आप उसको स्वेलो करें। तो सिंगल डोज जो है वो इनफ रहता है टू ट्रीट द कंडीशन। सिर्फ एक ही टैबलेट आती है, और वो आपको पर वीक यूज़ करनी होती है। कि ये टैबलेट जो है वो सेम जैसे ओरल सस्पेंशन यूज़ किया जाता है, ऐसे ही ये आप जो है वो हर वीक लेनी होती है, ओनली वन टैबलेट पर वीक। सो उसका ओवरडोज नहीं करना है, एंड यूज़ एज पर द डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन। कि यहाँ पे भी आप उसके टैबलेट पे भी ये लाल लकीर देख सकते हैं, और शेड्यूल एच की वार्निंग भी यहाँ पे है, 400 मिलीग्राम वन डोज, तो ये खास आपको ध्यान रखना है। तब आप उसका हम बेसिक यूज़ देखें तो पैरासाइटिक वॉर्म्स होते हैं, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, वीप वॉर्म, पेडियाट्रिक जियाडियासिस, ये सभी को ट्रीट करने के लिए जेंटल ओरल सस्पेंशन प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथों साथ जो इंटेस्टाइनल कोकाइडिया होते हैं उसको भी ट्रीट करता है ये जेंटल ओरल सस्पेंशन। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो
तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो ये माइक्रो ट्यूबवेल जो देख रहे हैं, तो माइक्रो ट्यूबवेल जो है वो एक स्ट्रक्चर है किसी भी हेलमिंथ्स के अंदर, कि ये माइक्रो ट्यूबवेल के थ्रू वो जो है वो अलग अलग न्यूट्रिशंस वगैरह लेते हैं, और ये एक पाथवे बनता है कि जो भी अलग अलग स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी हेलमिंथ के सेल के आसपास जो पहुंचता है, तो उसके लिए ये माइक्रो ट्यूबुल्स जो है वो हेल्प करते हैं। तो अगर समझो कि ये माइक्रो ट्यूबुल का जो फॉर्मेशन होता है वो ही आप समझो कि बंद कर दें, तो माइक्रो ट्यूबुल समझो कि नहीं बन पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आगे जो न्यूट्रिशंस वगैरह मिलते हैं हेलमिंथ को वो प्रोसेस जो है वो अटक जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी मेडिकेशन से एल्बेंडाजोल, ये वही काम करती है कि ये जो माइक्रो ट्यूबुल्स बनने के लिए ये ट्यूबुल इनके डाइमर्स का होना जरूरी है, और ये ट्यूबुल इनके डाइमर्स जो है वो पॉलीमराइजेशन करके ऐसा एक माइक्रो ट्यूबुल बनाते हैं। तो वो पॉलीमराइजेशन करने के लिए जो है बीटा ट्यूबुलिन जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है, और ये बीटा ट्यूबुलिन को और उसके पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करता है ये हमारा मेडिकेशन एल्बेंडाजोल। तो अगर समझो कि ये ट्यूबुलिन के डाइमर की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दे और उनका पॉलीमराइजेशन हम इनहिबिट कर देंगे, तो ये माइक्रो ट्यूबुल नहीं बन पाएगा, और माइक्रो ट्यूबुल नहीं पाए बनेगा तो आगे जो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स या फिर जो भी सपोर्ट सेल तक पहुंचता है किसी भी हेलमिंथ का या फिर किसी भी वॉर्म का, तो वो जो एक ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो कम्प्लीटली टूट जाएगी, कि जिससे वो हेलमिंथ जो है वो न्यूट्रिशन लेता है। तो माइक्रो ट्यूबुल ना रहने के कारण आगे जो है वो उसको न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण, प्रॉपर जो उसको जो जरूरी रिक्वायरमेंट्स ना मिलने के कारण अपनी ग्रोथ के लिए उसकी जो है वो डेथ हो जाती है, और वहाँ पे ये हेलमेंट्स जो है वो किल हो जाते हैं। अब जानना जरूरी कि उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह भी क्या है। तो जो भी लोग उसको यूज़ करते हैं तो नोजिया वोमिटिंग हो जाती है कि अगर उसका हायर डोज होता है, ये खास ध्यान रखो। नॉर्मल जो सिंगल डोज है 400 मिलीग्राम, उससे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते खासकर, बट अगर आप उसको हायर डोज में ले लेते हैं तो नॉजिया एंड वॉमिटिंग जैसे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, फिर डिजीनेस जैसा फील करते हैं कुछ लोग कि अगर एक्सेसिव यूज़ कर लें, फिर इंक्रीज लीवर एंजाइम्स, कई बार ये लीवर के एंजाइम इंक्रीज कर देता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि भूख ना लगे आपको ऐसा फील होता है, फिर कुछ लोगों को सर दर्द होता है, फीवर जैसा होता है, एलोपेसिया मतलब कि हेयर लॉस जैसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं इसके कारण, और कुछ केसेस के अंदर जॉन्डिस देखने को मिलता है कि अगर जेंटल ओरल सस्पेंशन हायर डोज के अंदर यूज़ किया जाए। अब उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखें तो जिन लोगों को पैंक्टिटोपेनिया है, मतलब कि ऐसा ब्लड डिसऑर्डर कि जिसके अंदर सभी टाइप के ब्लड सेल जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, कि चाहे वो वाइट ब्लड सेल हो, रेड ब्लड सेल हो या फिर प्लेटलेट, उनका काउंट जो है वो डाउन हो जाता है, तो ऐसे लोग जो है वो जेंटल ओरल सस्पेंशन को यूज़ ना करें, या फिर अल्बेंडाजोल वाला कोई भी प्रिपरेशन यूज़ ना करें, फिर प्रेगनेंसी के अंदर उसको यूज़ नहीं करनी है, एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट है तो भी उसको यूज़ ना करें, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको एनीमिया है ऑलरेडी आपके अंदर, जो आरबीसी कम है और ये लेने के बाद और आरबीसी आपके डाउन हो जाएंगे, फिर लो ब्लड काउंट ड्यू टू बोन मेरो फेलियर, कि आपका बोन मेरो जो है वो फेलियर है उससे ब्लड काउंट आपका कम रहता है, तो वो लोग भी ये सस्पेंशन यूज़ ना करें, एंड लो लेवल ऑफ ए टाइप ऑफ ब्लड सेल कॉल न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स कम है या फिर उनका काउंट कम है तो भी आप जो है वो जेंटल ओरल सस्पेंशन को यूज़ ना करें। तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर अबाउट दिस मेडिसिन। तो मेडिसिन रिलेटेड जो लेक्चर से, डिसीज रिलेटेड जो लेक्चर से, उसके पीडीएफ पीपीटीज सब आप फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर एक्सेस कर पाओगे। ये सिंगल कोर्स रहेगा और ये कोर्स आपको मेडिसिन रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देगा, साथों साथ वो मेडिसिन को कहाँ पे यूटिलाइज करना है, कौन से अलग अलग डिसीज एंड डिसऑर्डर्स में वो मेडिसिन यूज़ होते, तो सभी की जानकारी आपको वो कोर्स के अंदर मिल जाएगी। तो उसके पीडीएफ आप एक्सेस कर पाओगे फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये वाला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से,
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।